अम्मी जान आ रही है। तो अभी आप लोग देख रहे विजय सो रही है इस वक्त, वो जो है आराम में पड़ी हुई है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से बर्तन धो लूं, लेकिन यहाँ पर मक्खियाँ बहुत ज्यादा है, क्या करें, मक्खियों ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है, पता है यहाँ बहुत ही ज्यादा मच्छर है, इतना मच्छर है कि हम लोग देख सकते हैं आपको मच्छरदानी डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो आपको पता है कि हमारी डेली की जो है रूटीन होती है घास करने की, देहात की दाटरा जो है मैं ले रहा हूँ, और इस वक्त जो है सुबह का टाइम जो है प्यारा प्यारा और खूबसूरत माहौल, मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ कि यहाँ का जो है सुबह के टाइम जो है माहौल कैसे रहता है, क्योंकि अब जो है गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और अभी जान भी जो है मेरे साथ घास करने पर जो है तैयार होगी, करने के लिए जो है तैयार होगी, क्योंकि मुझे जो है कोई घास उठवा नहीं सकता। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बाहर का जो है प्यारा और खूबसूरत माहौल, लौकी देखिए बाहर बैठा हुआ है, और गंदम भी अल्हम्दुलिल्लाह कटे हैं शुरू हो गई हैं। इस साइड देखें कि सूरज अभी अभी जो है निकला है, आसमान में बादल भी ज़्यादा हैं, दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है बारिश को ना बरसाए। इस यहाँ देखें ना इस साइड, तो यहाँ जो है बादल बहुत ज़्यादा हैं, और इस साइड देखें तो ये प्यारा और ख़ूबसूरत माहौल बाहर का देखें। सुबह के इस वक्त जो है 7 बज रहे हैं, ये रहा घर खेती के बाहर, यहाँ कोई और गांव नहीं है, क्योंकि हम किसी ज़मींदार के ज़मीन में रहते हैं आपको पता है। माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारा और ख़ूबसूरत, और ये लोग देखें जो है बैर पे आए हुए हैं, और जो है बैर जो है नीचे से जो है ढूंढ रहे हैं, और अम्मी जान भी शायद बैर मर रही है, तो आपको दिखाता हूँ मैं करीब से। वालेकुम अस्सलाम, अम्मी जान के भी करीब, अच्छा देखा गाड़ी है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह से उन कुछ करे तो असा को सपोर्ट देना पे, और रब खुश करे, आमीन आमीन। तो व्यूअर्स अम्मी जान कह रही है कि जो हमें सपोर्ट कर रहा है और जो हमें हमारी हेल्प कर रहा है, तो अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, ढेर सारी खुशियां नसीब अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इस वक्त जो है अम्मी जान जो है बैर जो है यहाँ से ढूंढ रही है, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं कि जो है बैर है, और इसके बैर जो है बहुत मीठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जान आ रही है पीछे पीछे से, और ये देखें घर एक ही घर है यहाँ, और घास पर जो है मैं पहुँच चुका हूँ मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो मैं इसलिए घास पे सुबह सुबह आ गया, क्योंकि दिन के टाइम जो है बहुत जो है गर्मी होती है, और सुबह के टाइम जो है मैं चला जाता हूँ मजदूरी पे, तो इस वक्त जो है 7 बज रहे हैं, तो इसलिए जो है घास पे सुबह के टाइम जो है आ गया, क्योंकि सारा दिन जो है मजदूरी कर जो है थक भी जाता हूँ, और यहाँ भी जो है ज़मींदार की ज़मीन का जो है काम भी थोड़ा करना पड़ता है, तो इस वजह से जो है मैं सुबह घास पे आ गया, पहले इनका काम कर लूँ फिर जो है मजदूरी पर मैं जाता हूँ। तो माशाल्लाह देखें कितना प्यारा और ख़ूबसूरत यहाँ का जो है माहौल है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
ऊपर पंखी देखे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा जो है विलेज की लाइफ और देहात का माहौल बहुत खूबसूरत होता है। बस एक चीज़ की कमी है कि अल्लाह पाक जो है हमें अपना घर दे। हर टाइम मुझे यही होता है कि अल्लाह पाक जो है मुझे रहने के लिए छत दे और जो है अपना घर दे। घास हमने जो है कर लिया है, लेकिन लगता है बारिश जो है होगी, क्योंकि बहुत ही काले काले जो है आसमान में बादल छा गए हैं। आप देख रहे हैं कि सारा आसमान जो है काले बादलों से जो है छा गया है। तो अल्लाह रहम करेगा, क्योंकि गंदम की जो है कटाइयाँ शुरू हैं और किसी की जो है कटाइयाँ हो भी गई हैं तो नुकसान बहुत ज़्यादा जो है हो सकता है। अब लोग देख रहे हैं कि मैंने जो यहाँ पर सफाई कर ली है, सारा झाड़ू वगैरह लगा दिया है। अभी जो मुर्गो को दाना डालना है, दाना डाल के फिर जो है दिखाती हूँ बाहर की आप लोगों को जगह, कि मैंने भैंस की जगह भी जो है अंदरली बाहर ली, सब सारी जो है सफाई कर ली है। ये देखें और बकरियों का घास भी आ गया है, अभी जो बकरियों का घास भी दूंगी, सर आपको दिखाती हूँ। ये देखें सारी सफाई यहाँ पर कर ली है, हमने सारा झाड़ू वगैरह लगा लिया है और बकरियों को घास भी आ गया, अभी जो बकरियों को घास डालेंगे, उसके बाद जो है मैं कपड़े धोऊंगी। और ये देखें मैं घास मार रही हूं, घास लेकर आई है, अभी जो बकरियों को घास डाल रहे हैं। अभी जो देख सकते हैं आप, सास माँ जो है बकरे को दूध पिलाने जा रही है, बकरी का दूध, क्योंकि बकरी जो है दूध नहीं दे रही, इसलिए हम जो खुद ही दूध उसे दिलाते हैं। तो पहले दूध पी लो बेटा, फिर हम जो घास डालेंगे। देखे मैं दाना डाल रही हूँ, हमारे पहले मैंने जो डाल दिया था पहले ही, लेकिन अभी जो रोटी डाल दी थोड़ी सी, ताकि ये बछड़े जो है जल्दी जल्दी से बड़े हो जाएं और हमें जो है इनके भी अंडे चाहिए। बोरिंग वगैरह नहीं है, नल जो है हमारा खराब हो गया था, अभी जैसे करवाया है, बोरिंग वगैरह नहीं है, ट्यूबवेल वगैरह, नहर में पानी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कपड़े धोने पड़ रहे, बहुत मुश्किल है हमें कपड़े धोने की। लाइट वगैरह भी नहीं है हमारे पास, जो मशीन ले लें। रात के टाइम के लिए हमने जो है चारपाई जो है निकाली है बाहर, मंजियाँ, और मुनीदा भी जो है अब सो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का जो है टाइम जो है करीब होने वाला है, तो सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ग़ुरूब होने लगा है। आज देखते हैं कि इफ्तारी में जो है क्या पक रहा है। ये देखिए मैं दाल दे देखिए, बिल्कुल हमारी दाल हो गई तैयार, अभी जो इसका तड़का लगा रही हूँ, देख सकते हैं सारा मसाला जो मैंने काट के रखा हुआ है, हरा धनिया, प्याज, लहसुन और चावल मैंने निकाल कर रखे हुए हैं, अभी जो चावल बनाऊँगी, साथ में दाल है जो हमारी बहुत ही मज़े की है, तो हमारा बहुत मज़े का खाना बनेगा। शाम का वक्त हो रहा है, अभी जब तारीख टाइम होता जा रहा है,
इफ्तारी का टाइम होता जा रहा है, मुनीदा भी सो गई अभी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा आज का ब्लॉग, अगले ब्लॉग ले जाओ। तब तक अल्लाह हाफिज़।